सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसके न्यूमेरिकल हम देखने जाएंगे अब। अगर एक रिएक्शन है जो आपके सामने है जी, ए बी, ये आपका स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए पॉजिटिव आइन और बी नेगेटिव आइन। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या है जी, अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व आइंस। तो स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट को जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया, वो स्लाइटली ब्रेक हो गया, यानी मुकम्मल तौर पर ब्रेक नहीं हुआ है, कुछ उसकी कुछ अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है और कुछ आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। तो अगर आप आइंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लें तो इस आइंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है, और इसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे आप आयोनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिखने के लिए पहली शर्त तो यह है कि जी रिएक्शन आपका आयोनिक हो, यानी आपका आयोनाइजेशन उस रिएक्शन के अंदर पॉसिबल हो, और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और आइंस की कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या करते हैं, इसका आप इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो किसके बराबर होता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट या आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। न्यूमेरिकल आपके सामने है, सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल है, लिखा है जी व्हाट इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लैड क्रोमेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिबिलिटी की वैल्यू आपने निकालनी है, लिखा है व्हाट इज द सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी आपने फाइंड करनी है, और के एस पी यानी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दी हुई है 2.8 एक्सपोनेंट -13। तो ये वो न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आप सॉलिबिलिटी निकालने जाएंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से। तो सॉलिबिलिटी को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से किस तरह से निकाला जाता है, इस न्यूमेरिकल में आप सीखेंगे। जो न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसकी मदद से मैं डाटा बनाने जा रहा हूँ, मैंने लिखा जी सॉलिबिलिटी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जिस चीज़ की सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है उसका मॉलिक्यूलर मास मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसको सॉल्व किया, जवाब आ गया 323 लैड क्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास 323 होता है जो मैंने लिखा। इम्तिहान में आपको लेड का, क्रोमियम का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, जिसको आप ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और आगे इस न्यूमेरिकल में जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो है जी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 2.8 एक्सपोनेंट -13। जो स्टेप वन है वो क्या है जी, कि सबसे पहले मैं सॉलिबिलिटी फाइंड करूंगा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की मदद से, और ये जो सॉलिबिलिटी मैं फाइंड करूंगा ये मैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की यूनिट में फाइंड करूंगा। और आप ये याद रखिएगा कि जी कि ये जो सॉलिबिलिटी है ये सॉलिबिलिटी की असल यूनिट नहीं है, दिस इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो मुझे सॉलिबिलिटी को अगले स्टेप में उसकी असल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सॉलिबिलिटी की जो असल यूनिट है वो है ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसका ख्याल रखिएगा। खैर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगी, लैड क्रोमेट को डिसोसिएट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं के एस पी की एक्सप्रेशन लिखने जाऊंगा, और जब भी मैं के एस पी की एक्सप्रेशन लिखूंगा तो उससे पहले, उसको लिखने से पहले मुझे अपने रिएक्शन को लिखना जरूरी होगा, और ये रिएक्शन आपको इम्तिहान में दिया नहीं होता लेकिन आपको ये लिखना पड़ता है। तो खैर आपने इक्वेशन को लिखा जी, लैड क्रोमेट डिसोसिएट हुआ लैड 2 पॉजिटिव आइन में और क्रोमेट 2 नेगेटिव आइन में। अब मैंने इसका मोल रेशो देखा, तो मैंने देखा जी कि लैड क्रोमेट के 1 मोल्स है और उससे प्रोड्यूस होने वाले लैड और क्रोमेट के भी 1-1 मोल्स हैं। तो अगर लैड क्रोमेट के एक्स मोल्स होंगे तो लैड के और क्रोमेट दोनों के कितने कितने मोल्स होंगे जी, एक्स एक्स मोल्स ही होंगे। तो मैंने मोल्स को एक्स की फॉर्म में तसव्वुर कर लिया। अब मैं के एस पी की एक्सप्रेशन को लिखने जा रहा हूँ, सबसे पहले इक्वेशन को देख के लिखूंगा, और मुझे पता है कि के एस पी किसके बराबर होता है, इट इज द आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो दोनों आइंस की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं एक्स की फॉर्म में वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या तसव्वुर किया था जी कि लैड के भी एक्स मोल्स हैं और क्रोमेट के भी जी एक्स मोल्स हैं, तो मैंने इनकी कॉन्सेंट्रेशन को यानी इनके मोल्स को एक्स की फॉर्म में लिख दिया। सॉल्व किया तो मेरे पास के एस पी किसके बराबर हो गई, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गई।
एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और के एस पी की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो के एस पी की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, ये किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गई। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लिया। तो जब मैंने स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिया तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 5.29 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास सॉलिबिलिटी आ गई, और इसको आप मोलैरिटी भी कह सकते हैं, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। सो दिस इज द सॉलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है सॉलिबिलिटी की असल यूनिट के अंदर, और सॉलिबिलिटी की जो असल यूनिट होती है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। इसमें मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, और इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है जी कि सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये बराबर होती है सॉलिबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मैं ये जानता हूँ जी कि मोल्स किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर इसको आप वॉर करें, डेसीमीटर क्यूब कॉमन है, तो ये मोल्स लिखा हुआ है, ये मास लिखा हुआ है, और मुझे पता है जी कि मोल किसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने यहाँ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरा मास अकेला हो गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने कहाँ से ड्राइव किया है, जो रिलेशन से ड्राइव किया है जी कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं। इसलिए सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये किसके बराबर होगी, सॉलिबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगी। तो ऊपर वाले स्टेप में जो आपने सॉलिबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकाली है उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास सॉलिबिलिटी आ जाएगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, जो सॉलिबिलिटी का असल यूनिट है। तो ये आपके पास सॉलिबिलिटी आ गई ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, और ये जवाब आ रहा है 1.709 एक्सपोनेंट माइनस 4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अपनी आदत बनाए कि जब भी वो आपसे कहे जी कि सॉलिबिलिटी फाइंड करो, तो आपको आपकी आदत होनी चाहिए जी कि आप सॉलिबिलिटी को उसकी असल यूनिट में दें, यानी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में दें। हाँ, अगर वो सवाल में आपसे कहता है जी कि सॉलिबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकाल दो, तो फिर सवाल आपका यहीं खत्म हो जाएगा। अगर वो आपसे कहता है जी मोलैरिटी निकाल दो, तो भी सवाल आपका यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे कहता है जी सॉलिबिलिटी मालूम करो, तो आपको आप पे लाजिम है जी कि सॉलिबिलिटी को उसकी असल यूनिट में दें, और सॉलिबिलिटी की जो असल यूनिट है वो ग्राम है, मोल नहीं है। तो आपको ये अगला